चलिए तो गाइस, आज बनानी है मुझे आइसक्रीम, क्योंकि थोड़ा गर्मी के दिनों में आइसक्रीम से ठंडक मिलती है। चाहे कितना भी चटपटा खाने वाला हो कोई, और गर्म गर्म चीज़ें देखकर वैसे ही मन हट जाता है, लेकिन खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने के लिए मन करता है, तो बस आइसक्रीम के लिए मन करता है। अब देखिए, जो बाहर से आइसक्रीम आ रही है आजकल, उनसे बड़ा मन हट रहा है, क्योंकि किसी में कॉकरोच निकल गया है, किसी में उंगली कटी हुई निकल रही है। मतलब एक मन ऐसा हो गया आइसक्रीम की तरफ से कि बिल्कुल भी देखने के लिए मन नहीं करता बाहर की आइसक्रीम। तो मैंने सोचा कि घर पर ही बनाई जाए और आप लोगों को साझा की जाए। अब ये 1 किलो दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है और एक बाउल ली है। ये थोड़ा सा मैंने एक पैकेट मैंने पाउच उसका जो सूखा दूध आता है मिल्क पाउडर वो लिया है। 1.5 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर मिला रही हूँ इसमें, क्योंकि इससे गाढ़ा हो जाता है दूध। ये वनीला फ्लेवर का है। हम थोड़ा सा नॉर्मल दूध डालेंगे इसमें और इसको घोलेंगे चम्मच से। देखिए, ज़्यादा दूध अगर डालकर घोलेंगे तो ये जो बहुत बारीक होता है ये ऊपर तैरता रहेगा और घुलने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए थोड़ा ही दूध डालकर घोलना चाहिए। बार बार दूध डालकर इसको अच्छा घोल बना लेना है, बिल्कुल स्मूथ। ये घोल बन गया है। देखिए, अगर हम डायरेक्ट इसको दूध में डाल देते हैं तो ये ऊपर ही तैरता रहेगा और घुलेगा बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने पहले बाउल में अलग घोल लिया है। अभी दूध दूध हमारा उबल चुका है, तो धीरे धीरे डाल देना है इसमें। एक बार ना डाल के 2-3 बार में डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे दूध को। गैस हमारी जली हुई है, लो फ्लेम पे कर रखी है मैंने। इसको पकाना बहुत ज़रूरी है डाल के, ये नहीं कि वो दूध उबाल के हम नीचे डालेंगे, उबल जाना चाहिए ये भी। देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाल दिए हैं और 2 चम्मच मैंने ये चीनी डाली है। आप इसकी जगह मिश्री भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच और मैंने टेस्टी बनाने के लिए डाली है फ्रेश मलाई, जो घर के दूध की बनी हुई होती है। देखिए, अगर हम मलाई डाल के बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। आप बाहर से मंगाना भूल जाएंगे बिल्कुल आइसक्रीम अगर इस तरह से बनाएंगे तो। ये थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर दिया है मैंने गैस का और ये उबल के बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। देखिए, 5-7 मिनट उबलता है बस, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत भी नहीं होती। और बिल्कुल गाढ़ा बनकर रबड़ी सा हो गया है, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर भी है और कस्टर्ड पाउडर भी डाला है, तो बिल्कुल जैसे रबड़ी बनाते हैं इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब मैंने गैस को बंद करके नीचे हमें ठंडा कर लेना है उतार के। देखिए, बिल्कुल गाढ़ा हो गया और ठंडा भी हो गया। तो चलिए, आप हम अब जो है इसको जमाने के लिए रखते हैं आइसक्रीम। अभी मैंने गिलास लिए हैं जो डिस्पोजल गिलास होते हैं, क्योंकि साँचा मेरे पास नहीं है तो मैंने डिस्पोजल गिलास ही ले लिए हैं। इसके इसमें बहुत आराम से बन जाती है। अब इसको कर देनी है, चाहे आप आधे आधे करें या भर के, वो आपकी मर्जी है। ये 6 गिलास में कर दिए हैं। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दिया मैंने ड्राई फ्रूट से, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो जिसमें पड़ जाते हैं एक स्पेशल डिश बन जाती है। अब ये रख देनी है फ्रीजर में। देखिए, 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीजर में रखी थी और 1 घंटे के बाद जो थोड़ी सी मतलब ठीक हो गई है, तो मैंने इसमें जो ये स्पून होती मतलब डंडी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जी पकड़ के खाते हैं, तो मैंने ये लगा दी हैं। अब फिर से दोबारा ये फ्रीजर में रख देनी है 4-5 घंटे के लिए। जी कम से कम 5 घंटे रखे हैं मैंने और बिल्कुल परफेक्ट जम के रेडी हो गई है। इसको कुछ गिलास मतलब फाड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, एकदम से स्मूथली निकल जाते हैं इस आराम से गिलास में से। मैं जब भी जमाती हूँ मैं गिलासों में जमा देती हूँ डिस्पोजल, क्योंकि मैंने सांचे नहीं ले रखे, तो कोई बात नहीं, रोज़ बन वैसे भी नहीं बनती है। देखिए, 1 किलो दूध में 6 पीस बन चुके हैं ये। और चलिए, ऊपर से थोड़ा सा गार्निश और कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से अगर जो उन पर पड़ा हुआ पिस्ते वगैरह दिखते हैं तो खाने में और भी टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए, आइसक्रीम बनके हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी बन गई है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप भी जमा कर खाइए, बाहर से मत लाइए।